वेलकम टू फ्लैकीपेड्स क्रिटिकल रिव्यू। सीनियर तरीन जर्नलिस्ट सना बुचा अपने वेक और इम्प्रीसाइज एनालिसिस की वजह से दिन ब दिन शोहरत पाती जा रही हैं। आइए सुनते हैं किस तरह माहिर कानूनदान ने उनको आड़े हाथों लिए। अच्छा, मेरा जो प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि हम सियासी जमातों के करीब रह के ना बहुत कोई हमें कोई बहुत प्यार मोहब्बत आ जाता है। यानी सिर्फ यानी अगर किसी पे इल्जाम लगाया, भी इल्जाम क्या लगाए, हकायक पे ऊपर पाते हैं। अगर सना बुचा साहिबा को नहीं हो समझ आ रही इन चीजों की, तो हम तो कुछ नहीं ना कर सकते ना। हमें तो समझना चाहिए। यानी वो ये भी मजाक उड़ाती फिर रही है कि जनाब अरशद शरीफ का क्या होगा। क्या होगा साहब, अपने अल्फाज वापस लीजिए, अपने अल्फाज वापस लीजिए, अपने अल्फाज वापस लीजिए, फौरी तौर पर अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैं किसी भी पार्टी के करीब नहीं हूँ। आप नहीं ये इल्जाम लगा सकते। अब आप भी लगा दें इल्जाम, आप पीटीआई हैं, आप पीटीआई के करीब होंगे। आपका कंसर्न है उन करप्ट लोगों को बैठ के डिफेंड करती रहती है। आपका खुदा रहा, आपका साफी भाई है। आप कितने दिन बाहर निकली है घर से बाहर? आपने कोई एहतजाज किया अभी तक किसी बात से? आज बातें कर रहे हैं। शर्मा फरमाती हैं वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। अब सुनिए वो क्या कह रही है। उनके ट्रेलर्स को हटा दें, आप नुकसान पहुंचाएं, आप अंदर आ जाएंगे। चाहिए उन लोगों को तजिया करने वालों को जो ये कहते हैं कि इमरान शहबाज शरीफ बड़े परेशान है कि भाई परेशानी उनको अपने लिए, उनकी जात पे क्या फर्क पड़ता है? एक लंदन का टिकट कटा के जा नहीं सकते? आप लोग ये सोचिए, इस मुल्क की अब बात हो रही है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।